गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान तिलक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 4, शब्द। इंग्लिश में हम लोग जिसे कहते हैं वर्ड्स। ओके, शब्द वर्णों के मेल से बनता है। वर्ण किसे कहते हैं? आयशा, वर्ण किसे कहते हैं? छोटा, बड़ा, काका, गागा, पूरा, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। क्या है ये सब? वर्ण। तो जो शब्द होता है वो वर्णों के मेल से बनता है। देखो, जा प्लस गा इज इक्वल टू जग, रा प्लस था इज इक्वल टू रथ। जा और गा जब जुड़ गया तो एक शब्द बन गया जिसे हम लोग जग कहते हैं, ठीक है। और जब रा और था जुड़ गया, दो वर्ण, रा भी वर्ण है था भी वर्ण है, जब ये दोनों वर्ण मिल गए तो इन दोनों वर्णों के मिलने से एक शब्द बन गया जिसे रथ कहा, ठीक है। इसी तरह का एक वर्ण है, ला एक वर्ण है और शा एक वर्ण है। इन वर्णों के मेल से बन गया एक शब्द कलश। इसी तरह मां वर्ण प्लस टा वर्ण प्लस रा वर्ण, ये तीनों वर्ण हैं अलग अलग, इन तीनों वर्णों को जब जोड़ दिया तो एक शब्द बन गया मटर, ठीक है। इसी तरह ये देखो, आ प्लस दा प्लस रा प्लस का, अदरक, ये चारों वर्णों के मेल से एक शब्द बना जिसे हम लोग अदरक कहा। इसी तरह प्ला प्लस ना प्लस घा प्लस टापन घट, जब अलग अलग वर्णों को जोड़ दिया तो इन वर्णों के जोड़ से बन गया एक शब्द वर्णों के मेल से। बच्चों, चित्रों के लिखे सभी वर्ण समूह, ये वर्ण समूह है ना, शब्द है, परंतु प्रत्येक वर्ण समूह शब्द नहीं होता। जरूरी नहीं कि कोई भी वर्ण आप लोग लिख दीजिए तो वो शब्द बन जाए। जैसे मां प्लस ला प्लस का, तो मलक। मलक शब्द का कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं है। ला प्लस सा प्लस ड़ा, लसड़, इस शब्द का भी कोई अर्थ नहीं है। का प्लस जा ककज, कोई अर्थ नहीं। पा प्लस ता प्लस मा, पतम, पतम शब्द का भी कोई अर्थ नहीं होता। बच्चों, ये वर्ण समूह शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं है। कोई अर्थ है? कोई भी अर्थ नहीं है। केवल वही वर्ण समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक है। वर्ण समूह, इसका देखिए परिभाषा क्या है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। अब इसको देखिए, दिए गए वर्णों से 10 शब्द बनाओ। अब देखिए, ना और राम ने जोड़ दिया तो नर बन गया। ये देखिए, जागा जुड़ गया तो जग बन गया। इसी तरह का और ला जोड़ दिया तो एक शब्द कल बन गया। रा और था जोड़ दिया, रा ये है और था ये है, रा और था जोड़ दिया तो रथ बन गया, ठीक है। इसी तरह खा और ता जोड़ दिया तो खत बन गया। हा और मा जोड़ के हम बन गया, ठीक। ता और बा जोड़ के, ये ता लिख लिया और ये बा लिया तो शब्द बन गया तब। इसी तरह ये देखिए, पा के साथ था जोड़ दिया तो बन गया शब्द पथ, ठीक है। ये देखिए, ये वा है और ये रा है, इनको जोड़ दिया तो बन गया एक शब्द वर। और ये माँ है, इस माँ से हमने गा को जोड़ दिया तो एक शब्द बन गया मग,
इसी तरह इसमें तीन अक्षर वाले भी बन सकते हैं। देखो का, का है, मा और ला, कमल हो गया है ना, और कमल भी एक शब्द बन गया। ठीक है, इसी तरह अब ये बात समझ लो कि शब्द किसे कहते हैं, वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, जो आप स्वर और व्यंजन लिखते हैं वो सभी वर्ण है। ठीक है, छोटा बड़ा छोटी ये सब, छोटा आ से आह तक ये सब स्वर हैं, और का से लेके ज्ञानी तक सब व्यंजन हैं। तो ये जितने भी वर्ण हैं इन वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, इन वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, वही शब्द होगा जिसका कोई अर्थ होगा। इन इन वर्णों के मेल से कोई ऐसा शब्द नहीं बना जिसका कोई अर्थ हो, तो इसलिए ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, शब्द वही है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, अब आप लोग अपना होमवर्क नोट करिए, आज सब बच्चे वर्णमाला फिर से लिखेंगे, छोटा आ से ज्ञानी तक किस में लिखेंगे, रिवीजन रजिस्टर में लिखेंगे। ठीक है, रिवीजन रजिस्टर में वो लिखेंगे और दो अक्षर वाले 10 शब्द लिखेंगे। ठीक है, बिना किसी की मदद के आपको अपने आप ये काम करना है। ओके चिल्ड्रन, गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। गुड डे।